हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड पी अपने रेडमी नोट 5 में कैसे इंस्टॉल करें। दोस्तों जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं अपने रेडमी नोट 5 में एंड्रॉयड पी यूज कर रहा हूं और दोस्तों ये काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। इसका नोटिफिकेशन पैनल तो मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, MIUI 10 का जो नोटिफिकेशन पैनल है उससे भी अच्छा लगा दोस्तों। और देख सकते हो ये कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, और देख सकते हो दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका नोटिफिकेशन पैनल का यूज करके। और दोस्तों मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ अबाउट सेक्शन में कि आखिर कौन सा वर्सन पे रन कर रहा है। मैं दोस्तों ये बूट होते ही एंड्रॉयड पी को मैंने वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसको यूज़ भी नहीं किया हूँ तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ढूंढने में कहाँ कहाँ पर है सारा ऑप्शन। आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पे मिल गया एंड्रॉयड वर्सन, और देख सकते हो दोस्तों एंड्रॉयड का पी कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे गोल गोल करने में, और देख सकते हो होल्ड करने पर और कुछ नहीं आ रहा जैसे मार्शमेलो में वो ऑक्टोपस आता था और ओरियो आता था, लेकिन इसमें एंड्रॉयड पी में ऐसे ही गोल गोल होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ये स्मूथ तो है सब, सारे फीचर जो वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन सारे फीचर में कुछ बग भी है, हैंग भी कर रहा है बहुत ज़्यादा दोस्तों, कभी कभी बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। जैसे VoLTE वर्क कर रहा है लेकिन ओनली इनकमिंग कॉल आ रहा है, आउटगोइंग नहीं आ रहा है, लेकिन इसका फिक्स है दोस्तों। और लैग जो कर रहा है इसका भी कुछ फिक्स है। आपको सारे लिंक का, सारे जो फाइल है उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा दोस्तों, उसका फाइल का लिंक वहाँ से आप फ्लैश कर सकते हो। और मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि आखिर इसको कैसे इंस्टॉल किया जाए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे फ़ोन में ये एंड्रॉयड पी का GSI कैसे इंस्टॉल है। उसके लिए सबसे पहले आपको पावर ऑफ करना पड़ेगा, पावर ऑफ करने के बाद वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ दबाए रखना है ताकि आपका फ़ोन एंड्रॉयड पे ये TWRP में बूट हो जाए। और देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑनरेज फॉक्स का TWRP यूज कर रहा हूँ। और उसके बाद वाइप में जाना है, एडवांस वाइप में जाना है और सिस्टम कैश डाटा वेंडर को स्वाइप टू वाइप कर देना है, डिलीट कर देना है सारा चीज़ को, सिस्टम डाटा वाइप वेंडर को। और उसके बाद दोस्तों फॉर्मेट करना है, अगर ये ऑप्शन आपने पहले यूज किया होगा तो मत कीजिए इस टाइम, अगर कभी यूज़ नहीं किया हो फॉर्मेट डाटा को तभी यूज कीजिएगा। और उसके बाद फॉर्मेट डाटा होते ही दोस्तों आपको एक ट्रिबल रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि ऐसा रोम कोई भी रोम चलेगा जो कि ट्रिबल पर बेस्ड हो। यहाँ पे देख सकते हो मैं कार्डिनल AOSP का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, ये एक ट्रिबल है दोस्तों, ये ट्रिबल सपोर्ट करता है। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या XDA पर भी मिलता है ये ट्रिबल रोम, बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कार्डिनल OS कुछ ठीक लगा हमको इसीलिए मैंने इसको यूज किया, और बाकी सब ट्रिबल बगी है, बहुत कम है हमारे रेडमी नोट 5 के लिए ट्रिबल रोम। और उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल में फिर जाना है इंस्टॉल होने के बाद, और अब की बार दोस्तों GSI को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप लोग ये जिप में होगा एक GSI, उसको एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो IMG फाइल में हो जाएगा। उसको यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करना है, इमेज फाइल को, और उसके बाद दोस्तों ये सिस्टम इमेज पर टाइप करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। ये एक GSI होगा दोस्तों, आपको स्ट्रैक कीजिएगा तो इमेज में मिल जाएगा, उसको स्वाइप टू इंस्टॉल करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको रिकवरी को बूट कर देना, फिर से रिबूट करना रिकवरी को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको सिस्टम को और विंडर को माउंट करना पड़ेगा, और मेरा रिकवरी में शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो इसलिए मैं माउंट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए मैंने रिबूट करना पड़ेगा ये रिकवरी को। अगर आप नए यूजर हो तो प्लीज़ आप इस GSI को ना ही इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही पेचीदा काम है, मैं बहुत ही मुश्किल से हुआ। और उसके बाद दोस्तों ये तीनों फाइल आपको एक बाई एक इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों कि अगर आप न्यू यूज़र हो, TWRP नया नया सीख रहे हो, तो आप प्लीज़ इस एंड्रॉयड पी को ना ही इंस्टॉल करें तो सही रहेगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मुश्किल से मैंने ये एंड्रॉयड पी का GSI को इंस्टॉल किया है। और इंस्टॉल होते ही तीनों फाइल दोस्तों सिंपली आपको रिबूट कर देना है। और दोस्तों देख सकते हो हमारा फ़ोन बूट अप हो चुका है दोस्तों, और इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।